ऐसे लोगों पर भाजपाई ऐसे लोगों पर और दंगा करने पर कार्रवाई की है। बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके नेता प्रतिपक्ष को कहा गया, उन्होंने अपने पक्ष को रखा है। अब स्थान आप माननीय सदस्य बेल वाले आप स्थान ग्रहण करें। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज सदन की कार्यवाही भी शुरू हो गई। आपको बताया, सदन की कार्यवाही जब हो रही थी तब भाजपा की तरफ से सासाराम और नालंदा में हुए हिंसक झड़प के मुद्दे पर बहस शुरू हो जाता है। लगातार बिहार सरकार पर भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा लगातार महागठबंधन सरकार पर, बिहार सरकार पर हमलावर होते हैं और कहते हैं कि सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर आखिर सरकार मौन क्यों धारण किए हुए है, पूरे मुद्दे पर सरकार चुप क्यों है। जिसके बाद आपको बताएं, बिहार विधानसभा में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच हंगामा होता है, बहस होता है, जिसके बाद बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं यानी अवध बिहारी चौधरी, वो 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर देते। तो देखिए, बड़ी खबर बिहार विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है, जहां 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की तरफ से हंगामा हो जाता है, सासाराम और नालंदा के मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किया कर दिया जाता है। सदन से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से देखिए, महागठबंधन के जो तमाम दल हैं और भाजपा एक दूसरे के सामने वार प्रतिवार करने लगते हैं, बहस शुरू हो जाती है। पूरी तस्वीरें क्या कुछ है सदन की, छोड़े जाते हैं आपको इन सारी तस्वीरों के साथ। महोदय बोल लीजिए, जो भी किया गया है, एक मिनट में, एक भाजपा का सोची समझी साजिश है और इसमें न हिंदू का कोई मसला है न मुस्लिम का, नेता प्रतिपक्ष ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया है और ये बौखलाए हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं कि इनका जनमत घट रहा है और बेचैन होकर इस घटना को अंजाम देते हैं। इसलिए महोदय, ऐसे दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ये बीजेपी और उनके द्वारा जो किए गए कार्य है बहुत घृणित कार्य है, इनको विकास आदि से कोई लेना देना नहीं है। अतः महोदय, ऐसे लोगों पर भाजपाई ऐसे लोगों पर और दंगा करने पर कार्रवाई की है। बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके नेता प्रतिपक्ष को कहा गया, उन्होंने अपने पक्ष को रखा है। अब स्थान आप माननीय सदस्य बेल वाले आप स्थान ग्रहण करें। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।